ही गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे, जो कि हमारी 2019-20 की है। इसमें हम लोग वॉल्यूम फर्स्ट देख रहे हैं, और इसमें हमारी दो लेसन कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि फर्स्ट टू चैप्टर्स हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अभी थर्ड चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। थर्ड चैप्टर की एक पार्ट हमारी आ चुकी है, जिसमें कि मैं दो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करा चुकी हूँ, एक तो प्रो बिजनेस और दूसरी प्रो क्रॉनी। आज हम लोग देखेंगे दो और टॉपिक यहाँ पे आपकी छुटी हुई है, जैसे कि डिस्क्रिशनरी एलोकेशन नेचुरल रिसोर्सेज की, साथ ही यहाँ पे रिस्कलेस रिटर्न देखेंगे। तो ये दोनों चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए आपको बस एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी है और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो अब हम लोग आते हैं डिस्क्रिशनरी एलोकेशंस, जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का है। साथ ही साथ एलोकेशंस जो है वो ऑक्शन के थ्रू होगा। ऑक्शन कहने का मतलब होता है कि नीलामी, यानी कि जो नीलामी होती है उसी के थ्रू जो जो भी यहाँ पे पैसे आएंगे, मनी आएंगे, उनको कैसे किस तरीके से एलोकेट करनी है। साथ ही डिस्क्रिशनरी यहाँ पे एलोकेशन होगा, यानी कि स्पेशल तरीके से कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर एकदम स्पेशल तरीके से यहाँ पर एलोकेशन की जाएगी। तो इस सेक्शन में हम लोग एक केस स्टडी कंसिडर करने वाले हैं, वो भी नेचुरल रिसोर्स एलोकेशन प्रोसेस, जो कि हमारे इंडिया में है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व से पूरे वर्ल्ड में। अब ये स्टेटमेंट तो आपको रटनी ही होगी एट एनी हाउ, क्योंकि देखिए जैसे आप लोग देखते हो ना कि यूपीएससी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट निकल कर आती है कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस चीज़ में, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है इस चीज़ में। तो ये सारी जो डायरेक्टली स्टेटमेंट होती है ना, वो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे से ही निकल कर आती है। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व है। अब ये डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में आ जाएगी, फिर आपको लगेगा कि कहाँ से पूछ दिया गया। तो ये हमारी जो है इस तरीके से बुक से ही आती है। तो किसके किसके, लेकिन आप लोग को फर्स्ट फोर कंट्रीज़ भी पता होनी चाहिए। फर्स्ट है यूएसए, फिर है रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये चार कंट्री है, जिसके बाद हमारी इंडिया आती है। कोल की अगर बात करूँ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ की सोर्स ऑफ एनर्जी है। साथ ही ये मोर देन हाफ ऑफ द इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कोल से ही पूरा होती है। अब इस तरीके के इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज में एक एलोकेशंस बनना तो होता ही है, बनता ही है, यानी कि यहाँ पे हमारे एलोकेशंस होनी चाहिए, जो कि एक नाइस केस स्टडी निकाल कर आती है प्रो हमारे बिजनेस के लिए और प्रो क्रोनी पॉलिसीज़ के लिए। तो एक बहुत अच्छा हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देखे थे प्रो बिज़नेस और प्रो क्रोनी में, पहले वो देख लेते हैं। तो मैं फिर से रिविज़न करा देती हूँ। प्रो बिज़नेस का मतलब होता है कि टॉप लेवल का बिज़नेस, यानी कि ऐसी फर्म जो कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड में कम्पीट करें। रिसोर्स एलोकेशन जो इकॉनमी में होती है वो एफिशिएंट होती है, और मैक्सिमम जो यहाँ पे काम किया जाता है वो सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए किया जाता है। प्रो क्रोनी कहने का मतलब है कि प्राइवेटाइजेशन, यानी कि इंटरेस्ट जो प्राइवेट सेक्टर में, कुछ जो इनकमेंट यहाँ पे हमारी फर्म्स है वो कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट यहाँ पे रिसीव करती है। रिसोर्स एलोकेशन भी देखिए तो वो भी ज़्यादा यहाँ पे मच बेटर तरीके से नहीं होता। साथ ही इनका जो फोकस होता है वो अपने कंपनी की ग्रोथ के लिए होता है, ना कि सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर एलोकेशन के बारे में देखते हैं। तो अब आइए, यहाँ पे बॉक्स टू है, इसमें दिखाया जा रहा है पॉलिटिकल क्लाउट और प्रेफरेंशियल एलोकेशंस, जो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से है, और एक केस स्टडी है जो कि रोड कंस्ट्रक्शन का है। यानी कि इंडिया में जैसे रोड बनाए जाते हैं तो उसके ऊपर एक यहाँ पे केस स्टडी किया गया। तो इतना आप लोगों को नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी बिजनेस है इंडिया में, जो कि अपने पॉलिटिकल पावर को यूज़ करते हैं, और कुछ कुछ प्रोजेक्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चल रही है, ये हमारी एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि वैसे जगहों पर यहाँ पर रोड वगैरह बनाने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर पक्के सड़क नहीं है, रोड नहीं है, तो वहाँ पे रोड बनाने की, कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस तरीके की जो प्रोजेक्ट होती है ना, इसमें जो फंडिंग का एलोकेशन होता है वहाँ पे क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग करती है। यानी कि वो ऐसा, इस प्रोजेक्ट में जितना यहाँ पे रिक्वायरमेंट है फंड का, उस हिसाब से वो पैसे नहीं देते, वो पैसे अपने बेनिफिट के हिसाब से देते हैं कि किस तरीके से वो देंगे तो कितना उनका वहाँ पर चल पाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखें, एक लहने सेप्रो और एडन है जो कि कुछ यहाँ पे डेटा को एग्जामिन कर रहे हैं, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोर देन 88,000 जो रूरल रोड है वो यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया गया है। और ये जो डेटा है ना, ये इलेक्शन रिजल्ट के साथ यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्शन पास में आता है उतना ज़्यादा जो प्रोजेक्ट का काम है वो यहाँ पर बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ग्राफ के थ्रू देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है विन मार्जिन दी गई है, ये विन मार्जिन है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब इलेक्शन विक्ट्रीज क्लोज हो गया तो रोड कंस्ट्रक्शन का जो शेयर है, यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्टर का शेयर है, वो यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे पॉलिटिशियन की विनिंग यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो शेयर है सेम नेम कॉन्ट्रैक्टर का, वो यहाँ पे किस तरीके से चेंज हो रहा है। पहले आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जब इलेक्शन लड़ा जा रहा था तो उस समय जो यहाँ पे ग्राफ थी वो बस इतनी ही थी, यानी कि यहाँ पे जो एलोकेशन किया जा रहा था वो कम किया जा रहा था, और यहाँ पे जो लोग थे, यानी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे, उनका इस तरीके से यहाँ पे आपका एलोकेशन किया गया है। वहीं अगर हम लोग विन मार्जिन के बाद देखें तो इनका जो काम है
यानी कि इनका जो काम है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है, यानी कि विनिंग मार्जिन के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि पॉलिटिशियंस जो है यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं, पहले कम थे लेकिन बाद में फिर इंक्रीज़ हो गया है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिर फर्दर यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्लोज़ जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इलेक्शन के क्लोज़ होने के बाद भी, यानी कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन यहाँ पे जीत जाते हैं तो ऑल वेदर जो रोड है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है, यानी कि इस तरीके के प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्राम सड़क योजना जो है अपने टारगेट को मीट करने में बहुत ही अच्छे से ये सक्सेसफुल हो पाई है, बहुत ही ज़्यादा रोड भी बनाया जा रहा है और रूरल और अर्बन एरिया को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट किया गया है। विनिंग होने के बाद भी, यानी कि पॉलिटिशियन के जीतने के बाद भी, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपकी रोड की कंस्ट्रक्शन है वो इंक्रीज़ हुई है, तो बहुत अच्छी केस स्टडी है। इससे यही पता चला है कि एक स्पेशल टाइप का एलोकेशन भी किया जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर। फिर यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि 1993 के बाद क्या था, कि इससे पहले क्या था कि कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं था कि किस तरीके से जो कैप्टिव माइंस एग्जिस्ट कर रहे हैं कंट्री में तो उसमें कैसे एलोकेट करना है, ये पहले नहीं था। और उसके बाद हमारे यहाँ एक एक्ट आई जो कि यहाँ पे 73 में एक्ट आई, जो कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को अलाउ कर रही थी कि वो कोल माइनिंग में यहाँ पे कैप्टिव तरीके से यूज़ करें, यानी कि कोल माइनिंग को वो अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल कर सके, जिससे कि जितनी भी एनर्जी सिक्योरिटी की नीड है वो पूरी हो सके। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग कमिटी बैठाया गया, वो भी यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ कोल के चेयरमैनशिप के तहत, जो कि यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज जो है अपनी एप्लीकेशन लेकर आए और वो यहाँ पे दिखा रहे थे कि वो कैप्टिव माइनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और कोल ब्लॉक को वो यहाँ पे एलोकेट करना चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए। फिर 2012 में क्या हुआ कि एक कैग की रिपोर्ट निकल कर आई कोल ब्लॉक एलोकेशंस में, वो यहाँ पे देखे कि किस तरीके से ये जो प्रोसेस लिया जा रहा है, यानी कि जो कोल ब्लॉक की जो एलोकेशन यहाँ पे अडॉप्ट की जा रही है तो वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, वो यहाँ पे इस चीज़ से देखा गया है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि रिलेटेड जो पार्टी ट्रांजेक्शन है उसका कैसे इस्तेमाल होता है हमारे डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में। तो यहाँ पे भी कुछ आपकी चीज़ें बताई जा रही है, यानी कि कुछ एविडेंस मिला है सुब्रमण्यम और तांत्री के द्वारा, यहाँ पे कुछ एविडेंस मिला है कि कोल ब्लॉक एलोगेशन का फॉर्म कैसे हो रहा है और फिर ये वैल्यू जो हमारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है उनको कैसे इम्पैक्ट हो रही है, यानी कि अगर कोई कोल ब्लॉक है उसमें अगर आप अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का एलोकेट कर रहे हो, यानी कि फ़ंड यहाँ पर लगा रहे हो, साथ ही साथ फंड लगाने से क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप ही को बस फ़ायदा हो रहा है, आपसे रिलेटेड कोई और पार्टी है तो उसको किस किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है, उससे किस तरीके का ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिला। कोल ब्लॉक एलोकेशंस के बेनिफिशरीज को भी यहाँ पे मिला। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि कोल ब्लॉक जो एलोकेशंस हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में, यानी कि किसी भी जगह पे अगर आप कोई भी पॉलिटिशियंस अगर यहाँ पे फंड देते हैं एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज में, तो इससे ऐसा नहीं कि उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है, उनसे रिलेटेड और भी पार्टी ट्रांजेक्शन्स को फ़ायदा हो रहा है। ओके, तो एक एक फिगर को यहाँ पे ध्यान से देखिए, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिस्क्रिशनरी एलोकेशंस कैसे हुआ। तो पहले फिगर में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ईयर जो कि कोल अलॉटमेंट के बाद, यानी कि ये जो रेड लाइन है ये बता रही है कि अलॉटमेंट के बाद किस तरीके से यहाँ पे परचेज़ हुआ है कैपिटल गुड्स का। इसके पहले आप लोग देख सकते हो कि जब भी यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं होती थी तो इससे पहले जो यहाँ पे आपकी परचेज़ है यानी कि गुड्स का जो यहाँ पे ख़रीद बिक्री होता था वो बहुत कम होता था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपका कोल में अलॉटमेंट होने लगा, यानी कि कोल में स्पेशल तरीके से यहाँ पे अटेंशन दिया गया, फंड वगैरह दिया गया, तो इससे क्या हुआ कि इसकी जो अलॉटमेंट होने लगी तो इससे जो कोल का परचेज़ है वो यहाँ पर बढ़ गया। ओके, उसके के बाद अगर हम लोग देखें ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, यानी कि यहाँ पे जो भी रिलेटेड पार्टीज थी उसमें यहाँ इस चीज़ को कोल को ऑपरेशन में लाने के लिए जो यहाँ पे आपका खर्च वगैरह होता था तो वो यहाँ पे रिलेटेड पार्टीज़ को भी पेड किया जाता था। तो ये भी आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही यहाँ पे कोल में अलॉटमेंट शुरू हुआ, अलॉटमेंट होने के बाद किस तरीके से ये सडन इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि ऑपरेशन में आने के लिए जो इस तरीके से खर्चे के लिए जो पैसे दिए जाते थे रिलेटेड पार्टीज़ को तो वो यहाँ पे बढ़ गई। उसके बाद ऑपरेशनल इनकम अगर देखें, यानी कि जो भी रिलेटेड पार्टी है वो यहाँ पे कोल को ऑपरेशन में लाए, यानी कि कोल को इंडस्ट्री में लाया, उससे यहाँ पे एनर्जी जनरेट हुआ तो ये ऑपरेशन में आई, लेकिन एनर्जी जनरेट होने के बाद जो इनकम वहाँ से आया तो उसमें किस तरीके से यहाँ पे रिलेटेड पार्टीज़ में बढ़ोतरी हुई वो देखने को मिला, यानी कि यहाँ पे जो रिसोर्स में जो एलोकेशन किया गया, यानी कोल में यहाँ पे जो एलोकेशन किया गया उससे क्या हुआ ना, कहने का मतलब है कि इसको जब यहाँ पे आपका पंक्चुअलिटी के साथ जोड़ा गया, यहाँ पे काम जो है एकदम सही तरीके से किया गया तो उससे क्या हुआ कि हर एक जगह यहाँ पे आपका इंक्रीज़ देखने को आया, यानी कि कोल की परचेज़ जो है वो बढ़ी, कोल का जो ऑपरेशन है यानी कि कोल को इंडस्ट्री तक ले जाना, एनर्जी वहाँ से आपका जनरेट कराना, तो ये भी आपका इंक्रीज़ हुआ, साथ ही इंक्रीज़ हुआ तो इनकम भी इंक्रीज़ हुई। ये हुई डिस्क्रिशनरी एलोकेशन, यानी कि एक स्पेसिफिक तरीके का एलोकेशन से क्या फ़ायदा हुआ। वहीं अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव ऑक्शन देखें, यानी कि आप लोग देखते हो कि नीलामी वगैरह कराते हो,
कोई भी कोल माइनिंग है तो उसमें नीलामी करा के उसको बेच दो, यानी कि प्राइवेट सेक्टर या किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी एंटिटीज़ को बेच दो, तो इससे क्या होगा ये देखते हैं। जब यहाँ पे कोल एलोकेट हुआ हमारे कॉम्पिटिटिव ऑक्शन में, तो इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इससे पहले कंडीशन ठीक थी, यानी कि जो कोल की परचेज थी, कैपिटल गुड्स की जो परचेज थी वो पहले ठीक थी, लेकिन जैसे ही ऑक्शन हुई नीलामी के बाद जब बेचा गया तो यहाँ पर जो कैपिटल गुड्स का जो परचेज था वो कम हो गया। यही सेम चीज़ अगर हम लोग देखें कि ऑपरेशनल एक्सपेंस, यानी कि यहाँ पे जो हमारे ऑक्शन के बाद जब यहाँ पे किसी भी चीज़ को, यहाँ पे कोल को जब यहाँ पे आपका ऑपरेशन में लाया गया, तो उसके बाद जो खर्चे वगैरह को जो पेड किया जा रहा था रिलेटेड पार्टीज़ को, तो वो तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। ये आप देख सकते हो कि अलॉटमेंट के बाद जो है ये आपका सडन इंक्रीज़ हो गया। वहीं अगर इनकम की बात करें तो इनकम भी यहाँ पर अच्छा नहीं हो रहा था, यानी कि अलॉटमेंट के बाद से इनकम कम हो गई, उससे पहले इनकम ठीक थी। तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिस्क्रिशनरी एलोकेशन से कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, यानी भी किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को, जैसे कोल माइनिंग है या फिर आपका पेट्रोलियम है, तो इस तरीके में इस सारी चीज़ों में क्या करना है कि एक स्पेसिफिक एलोकेशंस देने की ज़रूरत है, ना कि यहाँ पे ऑक्शन वगैरह कराने की ज़रूरत है। ओके, इससे यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है हमारी इकोनॉमी में, ये चीज़ें बताई गई हैं। वहीं अगर हम लोग देखें RPT, जो कि यहाँ पे फॉरेन एंटिटीज़ और अनलिस्टेड जितने भी हैं, तो वो टैक्स हेवन है। और टैक्स हेवन के बारे में देखते हैं। टैक्स हेवन कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे कंट्रीज़, कुछ ऐसे आपके तरीके होते हैं जिसमें कि टैक्स को चोरी किया जाता है। ओके, तो टैक्स हेवन कंट्रीज़ आप लोगों को पता है कि स्विट्ज़रलैंड वगैरह है, जिसमें कि टैक्स नहीं लगते, तो आप लोग आराम से अगर आप लोग के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है तो आप लोग वहाँ के बैंकों में रख सकते हो। तो आप फिगर 14 देखते हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर फिगर 14 में देख लेते हैं। ये है अनलिस्टेड और फॉरेन काउंटर पार्टीज़ की और टैक्स हेवन की बातें बताई जा रही है, यानी कि यहाँ पे रिलेटेड जो पार्टी ट्रांजेक्शन है उसके बारे में देखते हैं। तो पहले डिस्क्रिशनरी एलोकेशन इस चीज़ में देखें कि बाहर की कंपनी जो है या फिर अनलिस्टेड कंपनी जो यहाँ पे एलोकेट कर रही है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले अगर कोल अलॉटमेंट की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल कितना परचेज़ हो रहा है, तो यहाँ पे परचेज़ जो है यहाँ पे भी बढ़ गई आपकी। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंस कितना हो रहा है, यानी कि रेवेन्यू कितने आ रहे हैं, तो वो भी बढ़ गए, यानी कि रेवेन्यू में जितना आ रहा है उससे खर्चा कितने हो रहे हैं, तो वो भी बढ़ गए। साथ ही साथ रेवेन्यू भी आपका इनकम जो है वो भी जनरेट हो रहा है, तो ये तो बेटर है। यानी कि इसमें भी पता चला कि अगर फॉरेन कंपनीज़ भी अगर हमारे यहाँ कोल माइनिंग वगैरह है, तो उसमें जितने रिलेटेड पार्टीज़ ट्रांजेक्शन होती है उनको फ़ायदा होता है, या फिर जो भी कंपनीज़ आती हैं और वो यहाँ पर कोल माइनिंग में एलोकेट करती है, तो उनको फ़ायदा होता है। लेकिन वही अगर हम लोग ऑक्शन की बात कर लें, तो ऑक्शन में भी आप वही देख सकते हो, कैपिटल परचेज़ करने में तो डाउन हो जाता है, लेकिन वही रेवेन्यू एक्सपेंस देखें तो ये बढ़ जाता है, और रेवेन्यू इनकम आप देख सकते हो कि लमसम इक्वल ही है, ज़्यादा यहाँ पे आपको बढ़ते हुए नहीं दिखेगा। तो ये दो एक आपका यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला, जो कि आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि फर्म प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है। मार्केट शेयर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जितनी भी कमिटी बेस्ड यहाँ पे एलोकेशन अगर करती है तो मार्केट शेयर कितना है ये दिखाया जा रहा है। तो आप लोग हर ईयर में देख सकते हो, 1993 से आप लोग देख सकते हो 2011 तक, यानी कि यहाँ पे मार्केट शेयर जो है ना ये कंटिन्यूसली डाउन हो रही है हमारी जितनी भी एलोटी फर्म्स है, यानी कि जितने भी यहाँ पे कंपनीज है उसमें हमारी जो यहाँ पे मार्केट शेयर है वो यहाँ पे गिरती ही जा रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि रिस्क लेस रिटर्न, यानी कि ऐसा रिटर्न जिसमें कि रिस्क बहुत ही कम है, जैसे कि विलफुल डिफॉल्टर होते हैं। विलफुल डिफॉल्टर आप लोग सीधे मैं नाम बोलूँगी और आप लोग समझ जाओगे, विजय माल्या जैसे लोग और नीरव मोदी जैसे लोग। कहने का मतलब है कि वो विलफुल डिफॉल्टर थे, उन्होंने हमारे इंडिया के बैंकों से बहुत सारे लोन लेकर जो है हमारी कंट्री को छोड़ कर चले गए हैं और वापस भी नहीं आ रहे हैं। तो उनको एक तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कहते हैं, यानी कि उनको भगोड़ा साबित कर दिया गया है कि वो यहाँ आने से जो है मना कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ है कि विलफुल डिफॉल्टर है, यानी कि वो चाह कर जानबूझ कर जो है डिफ़ॉल्ट कर गए, यानी कि लोन नहीं दिए, वो वापस से रिपेमेंट नहीं किए और लोन लेकर जो है वो घपला कर दिए, यानी कि ये विलफुल डिफॉल्टर है। तो विलफुल डिफॉल्टर से क्या होता है कि रिस्क हो जाता है बहुत ज़्यादा बैंकों को, कॉर्पोरेट सेक्टर को, NBFCs को, तो हर किसी को यहाँ पे रिस्क हो जाता है। तो यहाँ पे रिस्कलेस रिटर्न भी लेना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्राइमरी टेनेंट है किसी भी इन्वेस्टमेंट का, तो वो यहाँ पे एक्सपेक्ट लगाती है ना कि वो यहाँ पे आ रही है तो हाई रिस्क के साथ आ रही है, यानी कि बहुत सारी इंडियन फर्म्स है जो कि पिकुलर वे में वो दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है ना बिना रिस्क के वो यहाँ पे जो है काम कर सके। आप लोग ये समझिए कि आप कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लोग ये देखते हो कि मिनिमम रिस्क पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मैक्सिमम रिस्क पे तो नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपका रिस्क ज़रूर एसोसिएटेड होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो भी ये चीज़ देखते हैं कि किस तरीके से मिनिमम रिस्क पर वो यहाँ पर काम कर सके। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको इस तरीके का ट्रस्ट दिला पाना कि हमारे कंट्री में जो है ना रिस्क बहुत कम है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखाया जा रहा है कि विलफुल डिफॉल्टर के कारण, विलफुल डिफॉल्टर जो होते हैं जो पैसे लेकर डिफॉल्ट कर जाते हैं लोन लेकर, उनके बारे में दिखाया जा रहा है कि कितना यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो कि विलफुल डिफॉल्टर की जो यहाँ पे केस है वो यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है, कितना वो अमाउंट लेकर
अपना जो है यहाँ पे घपला कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि पहले जो है 2002 में ये बहुत कम होता था, 20,000 करोड़ तक होता था, लेकिन अब ये आपका बढ़ चुका है 1,40,000 करोड़ तक हो रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा आज के डेट में हमारे यहाँ विलफुल डिफॉल्टर जो है उनकी केस यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई है। हालाँकि अब हमारे यहाँ थोड़ा बहुत लॉ है जिसके थ्रू जो है हम लोग इनको टैकल कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर हम लोग विलफुल डिफॉल्टर का देखें वो भी सेक्टर के द्वारा, तो यहाँ पर 2002 से 2018 तक दिखाया जा रहा है कि किस केस में किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, यानी कि हम जैसे जो कंज्यूमर हैं हमारी जो खुद की कोई स्पेशल चीज़ें हैं, स्पेशल पावर है, उसके थ्रू हम लोग जो है डिफ़ॉल्ट करते हैं। यानी हमारे पास क्या पावर है, हम जैसे लोग क्या करते हैं कि हम लोग जाते हैं बैंक में और सिंपली लोन लेते हैं, और हमारे पास और क्या पावर है। सेकंड चीज़ ये होती है कि अगर हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन में हैं, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, ये लोग बहुत अच्छे पोजीशन थे, बड़े बिजनेसमैन थे, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा कोलेट्रल रखने की तो ज़रूरत नहीं होती है, साथ ही कुछ ज़्यादा पेन कॉपी पेपर भी रखने का ज़रूरत नहीं होता है। बैंक वाले तो ऐसे भी नाम देकर ही लोन दे देते हैं, वो लोग मना भी नहीं करते। तो ये क्या होता है कि कंज्यूमर की डिस्क्रिशनरी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा केस होता है डिफ़ॉल्ट करने का। सेकंड यहाँ पे आती है हमारी मटेरियल, किसी भी चीज़ों में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करने का बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका जो है चांसेस होता है। थर्ड आप लोग देख सकते हो कि फिनेंशियल है, फोर्थ हमारे यहाँ कंज्यूमर स्टेपल है, फिफ्थ यहाँ पे हमारी जो है इंडस्ट्रियल है, फिर यहाँ पे सिक्स्थ हमारी हेल्थ केयर है, फिर उसके बाद सबसे कम जो आप लोग देख सकते हो वो है हमारी यूटिलिटीज़ में, या फिर उससे भी कम आप लोग देख सकते हो मिसलिनियस में तो है, यूटिलिटीज़ मिसलिनियस ये सब में बहुत कम है, हेल्थ केयर में भी बहुत कम है। ये सारी चीज़ों में डिफ़ॉल्ट करना मुश्किल है, लेकिन कंज्यूमर के पास जो पावर है उससे वो सबसे ज़्यादा जो है डिफ़ॉल्ट कर पाते हैं। अब यहाँ पे देखते हो कि कितना ज़्यादा हमारे कंट्री का जो धन है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है, बर्बाद किया जाता है विलफुल डिफ़ॉल्टर के द्वारा, और ये हम लोग यूनियन बजट एलोकेशन से अगर हम लोग कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि हमारे यहाँ मनरेगा में आप देख सकते हो कि 55 या 60,000 करोड़ तक एलोकेट किया जाता है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी कितना है तो 70,000 करोड़ है, रूरल डेवलपमेंट कितना है तो 115,000 करोड़ है, वहीं अगर हम लोग बात करें विलफुल डिफ़ॉल्टर आउटस्टैंडिंग कितना है तो 136,000 करोड़ है। यानी कि आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे जो है विलफुल डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं यूनियन बजट के एलोकेशन से भी, यानी कि मनरेगा में जितना हम लोग एलोकेट नहीं कर पा रहे लोगों को, जिसको कि हम लोग गारंटी देने की बात करते कि हर 100 डेज़ की आपको यहाँ पर वर्क दी जाएगी, उसके थ्रू आप लोग को यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा, लेकिन आज भी हम लोग देख रहे हैं कि 2-3 महीने से जो है यहाँ पर जो मनरेगा की एलोकेशन थी वो ख़त्म हो गई, लोगों को यहां पे मनी भी नहीं दिया जा रहा, उनकी अर्निंग भी टाइम पे नहीं दी जा रही है। तो ये बात सोचिए कि हमारे कंट्री का जो धन है वो किस तरीके से विलफुल डिफॉल्टर के द्वारा जो है बर्बाद किया जा रहा है। हम लोग यहां जो भी जरूरत की चीजें, हमारे लोग, हमारे देश में कितने गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को यहां पे काम की जरूरत है, उन लोगों को अर्निंग की जरूरत है, जितना पर डे उन लोगों को पैसा मिलता है उसी हिसाब से वो लोग खाते पीते सारा काम अपना करते हैं, दिनचर्या चलाते हैं। अगर उन लोग को एक दिन की भी पैसे नहीं दे रहे तो इट मीन्स कि हम लोग अपने कंट्री में जो गरीबी की रेट है, पॉवर्टी रेट है, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि विलफुल डिफॉल्टर कितना ज़्यादा यहाँ पे भयंकर हमारे यहाँ जो हमारे कंट्री का जो धन है, हमारी कंट्री का जो वेल्थ है उसको किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी ग्राफ है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो विलफुल डिफॉल्टर आप लोग देख सकते हो कि वो अपने जो रिलेटेड पार्टी जो उनका ट्रांजेक्शन है उसके लिए वो कितना ओपेक है, यानी कि पता ही नहीं चलता है कि उनका पैसा जो है कौन कौन रिलेटेड पार्टी थे जिनके पास जो है उनका पैसा यहाँ से चला गया। तो यहाँ पे देखते हैं कंपेयरिंग विलफुल डिफॉल्टर और नॉन डिफॉल्टर, तो यहाँ पे हमारे विलफुल डिफॉल्टर जो है ये ऑरेंज वाले हैं और नॉन डिफॉल्टर जो है ये हमारे ग्रीन वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इस ग्राफ में ये दिखाया जा रहा है कि देखिए आप अगर पैसा लेके अपनी कंट्री से भागना चाहते हो, हालाँकि मैं बस सपोज करा रही हूँ, ओके, अगर आप लेके भागना चाहते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे एकदम से ब्लफ मास्टर हो और अकेले सारा काम कर लोगे, कोई ना कोई लोग तो आपका साथ जरूर देंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, यानी कि और भी कोई लोग होंगे जिसके साथ मिलकर आप ये सारी काम करोगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है आपके साथ और कौन कौन लोग मिले हुए हैं ये बहुत ज़्यादा ओपेक होता है, यानी कि पता करना मुश्किल होता है। अगर हम लोग यहाँ पे नॉन डिफॉल्टर की बात करें तो उनके साथ कौन कौन से लोग हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एक ए इंसान है जो कि नॉन डिफॉल्टर है, बी है यहाँ पे डिफॉल्टर है, अगर ये यहाँ पे नॉन डिफॉल्टर है यानी कि लोन ले रहे हैं तो लोन में ये नॉमिनी वगैरह भी देंगे, या फिर इनका पता भी होगा कि इनके साथ कौन कौन सी, अगर पता करना चाहे तो आप पता कर सकते हो कि कौन कौन सी यहाँ पे रिलेटेड पार्टीज ट्रांजेक्शन है। लेकिन ये जो डिफॉल्ट करना चाह रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा ये मास्टर माइंड होते हैं और इनके साथ जितने भी रिलेटेड पार्टीज़ होते हैं उनके बारे में पता करना मुश्किल होता है, ओके, वो पैक होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं
कि ये नॉन डिफॉल्टर है और ये डिफॉल्टर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्क्लोज़र की बात करें तो नॉन डिफॉल्टर के बारे में तो पता चल जाता है कि इनसे कौन कौन सी पार्टीज़ इंक्लूड है, लेकिन डिफॉल्टर के बारे में नहीं पता चलता। वहीं अगर हम लोग प्रमोटर होल्डिंग के बारे में देखें तो नॉन डिफॉल्टर के बारे में नहीं पता चलता है, लेकिन यहाँ पे जो विलफुल डिफॉल्टर है उनके बारे में बहुत पता चलता है, यानी कि जो प्रमोटर है कौन कौन यहाँ पे जो है प्लेज है उसको होल्ड करे उनके बारे में पता चलता है। वहीं अगर हम लोग नेट आउटस्टैंडिंग लोन की बात करें जो कि रिलेटेड पार्टीज़ को दिया जाता है, तो नॉन डिफॉल्टर के द्वारा ज़्यादा दिया जाता है और डिफॉल्टर के द्वारा कम दिया जाता है, यानी कि अपने रिलेटेड पार्टीज़ को ज़्यादा यहाँ पे लोन प्रोवाइड नहीं करते। अगर ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे तो उनके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं डिस्क्लोज़ हो जाएगी। वहीं अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि विलफुल डिफॉल्टर और जो डिस्ट्रेस डिफॉल्टर है, यानी कि विलफुल डिफॉल्टर जो चाह के डिफॉल्ट करके भाग रहे हैं विजय माल्या जैसे लोग, और जो डिस्ट्रेस डिफॉल्टर है यानी कि जो लोग मजबूरी में लोन पे नहीं कर पा रहे, वापस लोन तो ले लिए बैंक से लेकिन वो रिपे करने के हालात में नहीं है। तो वैसे कि अगर सिचुएशन आप देखोगे तो अगर रिलेटेड यहाँ पे पार्टीज़ ट्रांजैक्शंस की बात करें तो डिस्ट्रेस जो डिफॉल्टर है उनका पता चल जाता है कि उनके साथ और कौन कौन पार्टीज़ इंक्लूड है, लेकिन विलफुल डिफॉल्टर का फिर पता करना मुश्किल है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग प्लेज की बात करें तो यहाँ पे डिस्ट्रेस डिफॉल्टर का आप देखोगे तो इनके बारे में उतना ज़्यादा नहीं पता चल पाता है, इनका कोई ज़्यादा होल्डिंग नहीं होती है, मीन्स कोई ज़्यादा प्रमोटर नहीं होते, लेकिन इनके प्रमोटर बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आउटस्टैंडिंग लोन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इस चीज़ में आप देख सकते हो कि विलफुल डिफॉल्टर जो है ज़्यादा लेते हैं एज़ कंपेरिजन टू डिस्ट्रेस डिफॉल्टर। तो ये चीजें यहां पे बताई जा रही हैं। ओके okay. तो अब यहाँ पे कंक्लूजन में आते हैं कि बताया जा रहा है कि जो प्रो बिज़नेस पॉलिसी है वो कंपटीशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड में अगर आप लोग यहाँ पे काम करोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हो तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, ऑल इंडिया बेसिस पे एक एग्ज़ाम होती है जिसमें कि आप अमीर हो, गरीब हो, या फिर किसी भी सेक्शन से आ रहे हो, बैकवर्ड आ रहे हो, तो कोई यहाँ पर आपका कुछ लेना देना नहीं है। भले रिजर्वेशन को आप लोग साइड में रख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अमीर है, बहुत ही रिच पीपल्स के रिच फैमिली से जो बच्चे आ रहे हैं उनको कुछ स्पेशल दिया जा रहा है, या फिर जो पुअर फैमिली से आ रहे हैं उनको एकदम से ज़मीन पे बैठा के एग्ज़ाम दिया जा रहा है, और जो रिच फैमिली से आ रहे हैं उनको एकदम सोफे पे बैठा के एग्ज़ाम दिया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग सबको जैसे भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग उस सड़े हुए गर्मी में, यानी कि जून और मई के मंथ में जो एकदम इतनी ज़्यादा गंदी गर्मी होती है, उस गर्मी में जाके हम लोग प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देते हैं। तो ये एक क्या है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसमें कि आप अमीर हो, गरीब हो, कुछ नहीं देखा जा रहा है, एक अच्छा खासा एक ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम लिया जाता है। मार्केट फेलियर यहाँ पर कम हो जाता है क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि स्टेट पीसेस वगैरह में बहुत ज़्यादा धांधली वगैरह होती है। बिहार साइड में आप लोग देखोगे तो हर समय जो है वहाँ पे रिजल्ट आती है तो तोड़फोड़ निकल कर आती है। हर समय ये कहा जाता है कि कुछ ना कुछ करप्शन जरूर हुआ है, मैनिपुलेशन हुआ है रिजल्ट में। लेकिन यूपीएससी में कभी आप देखे हो कि रिजल्ट आया है, लोग यहाँ पे यूपीएससी सेंटर में पहुँच के बहुत ज़्यादा तोड़फाड़ किए? तो वैसा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड है। ओके तो इससे जो फेल्योर है, मीन्स जो गलत करने की चांसेस है, वो यहाँ पे कम हो जाती है। बिजनेस अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छे से हो पाती है। आप देखते हो कि यूपीएससी कितने अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज करके चलती है और एग्ज़ाम कितना टाइमली लेती है। प्रो कॉर्डी पॉलिसी की बात करें तो ये मार्केट को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। हर्ट इसलिए करती है क्योंकि वो प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए काम करती है, वो कंपनी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपने बेनिफिट के बारे में सोचती है, मार्केट के बारे में नहीं सोचती, साथ ही यहाँ पे लोगों के बारे में नहीं सोचती है। कुछ जो पॉलिसीज़ है जो कि यहाँ पर नैरो बिजनेस को प्रमोट करती है और सोशल वेलफेयर को काफ़ी हर्ट करती है, क्योंकि क्रॉनी बिजनेस जो है ना वो यहाँ पर ऑड है। अगर हमने यहाँ पे प्रो बिज़नेस के कंपेरिजन में देखें तो क्रॉनी बिजनेस जो है ना वो यहाँ पर गवर्नमेंट को लॉबी करती है और कॉम्पिटिशन को बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिमिट कर देती है अपने इंडस्ट्री में, इंपोर्ट को भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देती है। साथ ही ये सारी जो इनिशिएटिव है ना हमारी लॉबिंग ग्रुप्स की जो इनकम है उसको इन्हांस करती है। तो यहाँ पे आपका पैसा बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को ये पता है कि प्राइवेट इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे जो हमारी काम होती है वो बहुत कम होती है। प्रो बिजनेस पॉलिसीज़ की बात करें फॉर एग्जाम्पल, वो सारे जो कि यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए काफ़ी इजी हो गए हैं हमारे कंट्री में, आपको पता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है जिसके कारण हमारी जो रैंकिंग है वो बहुत अप हो रही है। जस्ट बिकॉज़ क्योंकि हमारे यहाँ जो बिज़नेस करने का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा हो चुका है, आप लोग ईजिली कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर अपने प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना है तो वो भी करा सकते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर इन्फोर्स करना है तो वो भी हो सकता है, अगर आपको कहीं से क्रेडिट चाहिए तो वो भी ले सकते हो, और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी बिड कर सकते हो, परमिशन अगर चाहिए तो वो भी मिल सकता है, अगर कोई इंसॉल्वेंसी है तो उसको भी ख़त्म किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पे इफेक्टिवली तरीके से यहाँ पे काम किया जा सकता है, कंपटीशन मार्केट अच्छी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे किया जा सकता है, तो ये काफ़ी इजी है किसी के लिए भी कि वो बिज़नेस जो है एक अच्छे ज्यूरिसडिक्शंस के साथ काम करे। ओके साथ ही यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है कि क्रॉनी बिज़नेस कोई भी ज़रूरत है कि उसको हम लोग यहाँ पे कैटर करें बिना किसी
दूसरे बिजनेस को प्रॉब्लम में दिए हुए हैं। तो ये आप लोग के यहाँ पे बहुत अच्छे चैप्टर है जिसमें कि आप लोग को ये पता चला है ना कि प्रो बिज़नेस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रो बिज़नेस से हमारे कंट्री में वेल्थ जनरेट करना कितना ज़्यादा बेटर होगा, हर एक चीज़ को मैनेज करना कितना ज़्यादा बेटर होगा। तो ये बहुत ही न्यू कंसेप्ट है, मैं न्यू कंसेप्ट तो नहीं बोलूँगी लेकिन हमारे इकॉनमी में न्यू कंसेप्ट है प्रो बिज़नेस, प्रो क्रोनी, इससे क्वेश्चन बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूँगी फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है, नहीं तो मैं यहाँ पे आई बटन पे भी आपको यहाँ पे मार्क कर दूंगी, आप लोग ज़रूर इसको क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग सारे लेसन को देखते चलिएगा तो आपको प्रीलिम्स में जो इकोनॉमिक सर्वे से जो क्वेश्चंस आती है ना उसमें आप लोग परेशान मत होइएगा। ओके तो इकोनॉमिक सर्वे को स्किप मत कीजिए, अभी देख लीजिए क्योंकि नेक्स्ट मंथ से PT 365 आने वाली है तो फिर मेरी लेसन उसमें आने लगेगी, तो आप लोग इसको नहीं देख पाओगे क्योंकि रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर आप लोगों के पास टाइम बहुत कम रहेगा। अभी आप लोग बहुत कम इसको देख रहे हो लेसन को, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इसको आप लोग अभी टाइम पे देख के ख़त्म कर लीजिए। ओके डेली बेसिस पे आपकी एक लेसन आ रही है तो आप लोग भी प्लीज़ टाइम निकाल कर इसको जल्दी से जल्दी देखने की कोशिश कीजिए। तो गाइज हमारी थर्ड चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गई है, फोर्थ चैप्टर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी है, मैं पहले दिखा देती हूँ, अंडरमाइनिंग मार्केट व्हेन गवर्नमेंट इंटरवेंशंस हर्ट मोर देन इट हेल्प्स। यानी कि यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ में अपने आप को इंक्लूड करती है तो वो हेल्प करने के लिए करती है लेकिन वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाती है, हर्ट हो जाती है। तो कैसे हर्ट हो जाती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके तो काफ़ी अच्छी ये भी चैप्टर होने वाली है, तो चलिए आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो बस लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आप लोग जो है शेयर कर सकते हैं, और अगर किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम है सब्जेक्ट रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है rishika.ch77 @gmail.com। ओके इसमें आप लोग मुझे मेल कर सकते हो और साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी से आपको जो है मेरी न्यू लेसन्स की अपडेशन ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।